देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद साक है और मैं करगिल से हूँ और हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं और हमने 99 का जंग देखा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और 99 की जंग के दौरान हमने देखा है कि जो नॉर्मल लाइफ है, लोकल जो सिविलियंस का लाइफ है खासकर, वो किस स्थिति में था। और उस टाइम पर जो पूरा जो लाइफ है वो पैरालाइज्ड हो गया था और उस जंग से हमने कुछ पाया नहीं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठ के और ख़ासकर मेन मेन सिटीज़ में बैठ के हम कुछ भी, जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हिंदुस्तान जंग करना चाहिए या पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बॉर्डर एरिया के लोग, हम चाहते हैं पीस। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी वार हुआ है वो डायलॉग के ज़रिए हल हुआ है, पीस के ज़रिए हल हुआ है, जंग से हमें कुछ नहीं मिला साहब, है। आपको नहीं लगता कि लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है? मेरा नाम मुर्तजा अली, मैं यही रहता हूँ TFC में जी, कारगिल में रहता हूँ। और जगह के तो नहीं कह सकते जी, कारगिल में तो हमने झेल चुका है ये चीज़ें, हम तो बेहतर जानते हैं इसके बारे में। पहले भी दो जंग हमने झेल चुका है। परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं, परिवार में से एक बंदा नौकरी करते, किसी का वो भी नहीं है, सब छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, पूरा डिपेंडेंट टूरिज्म पे। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो हम तो रोड पे आ जाएगा। सरकार बाद में कुछ देखता तो है नहीं, ना कोई मुआवजा मिलता है। तो जंग से तो हम ही लोग परेशान होता है, दिल्ली वाले हैं, जम्मू वाले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जंग होगा तो आम आदमी इसमें पिसेंगे, स्पेशली लद्दाख इलाके, रजौरी पूंछ है, लद्दाख है, द्रास सेक्टर है, यही लोग पीसते हैं हमेशा, तो परेशानी तो होती है। देखो जी, आज तक जंग हुआ है, कहीं भी हुआ है, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं मिला है ना, फ़ायदा ना किसी का होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। अमीरों का नहीं होगा लेकिन गरीबों का हमेशा नुकसान होगा, देश और पीछे चला जाएगा। हम तो नहीं चाहते कि जंग हो जाए, हम उनसे इसका मसला हल करना चाहे जो भी है, इस बारे में तो हम नहीं कहना चाहते, वो तो खुद जानते हैं क्या बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, जंग के तो ख़िलाफ़ है। थैंक यू सर। ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो पहले हमने जो 99 का वार है वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि फिर से ये दोबारा ना हो। तो हम मेरे बोलने का मकसद है कि हम अपनी तरफ से पीस चाहते हैं। तो देखिए हुसैन सर, हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारे में से यही रहेगा कि मतलब जंग से कुछ नहीं होगा, जितना हो सके आपस में बातचीत करके अमन करें, क्योंकि वहीं से भी हम बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने 99 का जंग पहले ही देख चुके हैं। तो हम जितना हो सके चाहते हैं कि फिर से ये जंग ना दोहरा जाए, क्योंकि विंटर का टाइम ही चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, तो बूढ़े लोग हैं जो मतलब औरतें हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है इस वक्त। तो अगर कि समर का टाइम होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इस वक्त विंटर में हम कहाँ जाएंगे, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं है और फूड का भी कुछ मतलब स्टॉक नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके आपस में भाईचारा करके इसको पीस करके इस मसले को हल किया जाए। सर, हमारा आपके माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन सब के लिए यही मैसेज है, क्योंकि कारगिल जंग को हमने आंखों से देखा है और उस जंग को देखा है तब से हम जंग से बहुत, तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जंग की बात ना करें, अमन का एक पैगाम दें, क्योंकि जंग के बारे में आम लोग जो बोलते हैं, हम देखते हैं मीडिया में जंग को लेकर, हर कोई यही चाहता है कि जंग हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमने कारगिल जंग को देखा है अपने आँखों से, तो वो दिन आज भी हमें याद आता है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करके इस जंग को ख़त्म कराएं, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है, बल्कि वो और ज़्यादा बर्बादी करेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।